Hi friends, welcome back to my channel Nature Peace and Life. I hope you all are doing good and taking good care of your health. Corona ki sari guideline follow kar rahe honge and khud ko protect kar rahe honge. एंड अगर आप वैक्सीन नहीं लिए हैं तो सबसे पहले जाके वैक्सीन ले लें, क्योंकि कोरोना से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीन लेना ज़रूरी है. सो टुडे आई विल बी शोइंग हाउ यू कैन मेक अ ब्यूटीफुल होम डेकोर और प्लांटर फ्रॉम अ वेस्ट मिक्सर ग्राइंडर. आई हैव यूज्ड अ वेस्ट मिक्सर ग्राइंडर जो यूज़ में नहीं थे, काफ़ी सालों से ऐसे ही रखे हुए थे, तो मैंने उसे अपसाइकिल करके इस टाइप से एक ब्यूटीफुल प्लांटर बनाया है. ये देखिए रेनबो इफेक्ट है, एंड देन यहाँ पे क्लाउड है, ये स्काई ग्रासेस, यहाँ पे ट्री है, बर्ड्स हैं, कितने प्यारे से ये देखिए बने हैं, एकदम नेचुरल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना. सो टुडे आई विल बी यूजिंग दिस ओल्ड मिक्सर ग्राइंडर जार. दिस वॉज एज अ वेस्ट. ये जो वेस्ट है कोई काम का नहीं है, काफ़ी सालों से ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैं इसे अपसाइकिल करने का सोची. तो आज मैं यूज़ कर रही हूँ ये छोटे वाले पॉट को. इसे मैंने क्लीन कर लिया है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये ऊपर वाले जो इसके ब्लेड है उसे निकाल दे रही हूँ. इसके जो स्क्रू थे उसे लूज़ करके यहाँ से ब्लेड रिमूव कर दिया है. नाउ इस पर हम लोग अप्लाई करेंगे एक कोट ये वाइट जैसो की. मैं फ्लैट ब्रश की यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे. हाँ ये देखिए जैसे लगाने के बाद ये ड्राई हो गए हैं. नाउ मैं इस पर दूंगी रेनबो इफेक्ट यूजिंग दिस एक्रेलिक कलर. आसमान के लुक दे रही हूँ, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये दो कलर. कलर जब ड्राई हो गए थे तो मैंने इस टाइप से यहाँ पे मार्कर के हेल्प से एक ट्री बनाया है, एंड यहाँ पे एक सन बनाऊंगी, एंड इधर थोड़े से क्लाउड बनाऊंगी.
सन बन गया है। मैं ये सारे जो पेड़ के ब्रांचेस है उसको हाईलाइट कर रही हूँ। जो ट्री है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए सारे तरफ से बना लिया है। मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े से फ्लावर के शेड्स दूंगी, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगी लाइट पिंक के शेड। तो मैं वाइट और रेड एक्रेलिक पेंट मिक्स कर रही हूँ। नाउ ये देखिए फ्लावर बन गए हैं ट्री पे इस टाइप से। एंड मैंने यहाँ पे दो बर्ड भी बना दिया है। नाउ मैं ये वाले जो बर्ड हाउस है उसे पेंट कर लूँगी एंड बर्ड्स को भी पेंट कर दूँगी। नाउ मैं ये इधर में यहाँ पे इस टाइप से क्लाउड बना ले रही हूँ। नाउ देखिए मैंने क्लाउड सारे क्लाउड बना लिए हैं इस टाइप से। एंड नाउ यहाँ पे थोड़े से ग्रास बना रही हूँ। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया। ना मैं इसे ड्राई होने के लिए रख दूँगी एंड देन एक कोट ग्लू के लगाएंगे इस पर एंड देन एक कोट वार्निश की लगाऊंगी। ये देखिए कितने प्यारे से बन गए हैं ये रेनबो एंड देन यहाँ पे क्लाउड, नीचे ग्रास एंड ट्री, सन, पूरे एकदम नेचुरल इसमें लुक आ रहे हैं। ना मैं इसे ड्राई होने के लिए रख दे रही हूँ। ना ये ड्राई हो गए थे तो मैंने इस पे लगा दिया है एक कोट ये डेको मैजिक के ग्लू ग्लॉसी वाले एंड देन एक कोट ये डेको वार्निश। ये दोनों मैंने इट्सी बिट्सी से मंगाया है। तो मैं ये सारे के लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ताकि अगर आपको भी लेना हो तो आप वहाँ से ले सकते हो। ना ये देखिए ये जो है कितने प्यारे से प्लांटर और एज ए होम डेकोर ये बन गए हैं। ये वेस्ट मिक्सी ग्राइंडर थे जो यूज़ में नहीं थे, तो मैंने उसे कन्वर्ट कर लिया इस टाइप से। एंड अगर आपके घर में भी इस टाइप से कोई ग्राइंडर मिक्सर ग्राइंडर है वेस्ट, तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। एंड यस यूजेबल वाले मिक्सर ग्राइंडर मत लीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत मार पड़ने वाली है घर पे। ये वेस्ट, तो अगर आपके घर में भी कोई वेस्ट है जो यूज़ में नहीं हो तो ही आप यूज़ करें उसे और अपसाइकिल करें। तो ये देखिए आप एज ए होम डेकोर भी इसे रख सकते हो और एज ए प्लांटर। तो मैं इसे प्लांटर में कन्वर्ट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे सॉइल डाल रही हूँ, गार्डन सॉइल।
सीप पूरे फिल नहीं करने, थोड़े से रहने देना है ताकि पानी जब उसमें दे वाटरिंग करे तो ओवरफ्लो ना करे वाटर। अब मैं ये वाले मनी प्लांट को अपने प्लांटर में लगाऊंगी। तो अगर आपको पसंद आई मेरी ये प्लांटर तो मेरे वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एंड बगल में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।